अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शोभिया इन द किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ 10 मिनट्स इजी चॉकलेट केक की रेसिपी, जिसमें ना ही आपको अवन की ज़रूरत है और ना ही माइक्रोवेव की। विदाउट माइक्रोवेव एंड अवन के आप जो है वो बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त सा एक केक जो है वो अपने घर में ईजिली बना सकते हैं, वो भी घर के नॉर्मल चूल्हे पे यानी कि स्टोव पे, जिसमें आपको ना ही किसी मोल्ड की ज़रूरत है। इसको हम बनाएंगे फ्राई पैन में, वो भी 10 मिनट्स में। तो बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल को प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉकलेट केक बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, चीनी आपको चाहिए 1/3 कप, मैदा आपको चाहिए 1/4 कप, और मिल्क आपको चाहिए यानी कि दूध 1/4 कप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, 1 egg आपको चाहिए रूम टेम्परेचर पे, और कोको पाउडर आपको चाहिए 3 tablespoons, वनीला एसेंस आपको चाहिए 1 teaspoon, और बटर आपको चाहिए मेल्टेड बटर 1/4 कप। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसकी जगह नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और बेकिंग सोडा आपको चाहिए 1/4 teaspoon। अगर आपके पास बेकिंग सोडा भी नहीं है तो आप इसकी जगह बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी पे ही आपने यूज़ करना है। तो चले उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो केक बनाने के लिए आपको फ्राई पैन चाहिए होगा, क्योंकि हम केक जो है वो फ्राई पैन में बना रहे हैं। तो आपको नॉन स्टिक का जो है वो 24 सेंटीमीटर का फ्राई पैन चाहिए। इसका साइज जो है वो 24 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसका जो है वो लिड होना चाहिए। आपने थोड़ा हैवी बॉटम जो है वो फ्राई पैन यूज़ करना है। तो इसी में जो है वो हम इस केक की मिक्सिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसमें ऐड कर देना है बटर, मेल्टेड बटर, और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे कोको पाउडर, और इन दोनों को जो है वो आपने अच्छे से मिक्स करना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 egg और उसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस, और अब आपने इसमें ऐड कर देना है मिल्क। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी, और चीनी को जो है वो आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि चीनी जो है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। और अब हम लास्ट के ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपने ऐड कर देंगे, मैदा और बेकिंग सोडा। इन दोनों को आपने डाल के जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त सा और बहुत ही इजी सा जो है वो हमारा केक का बैटर जो है वो बनके रेडी हो गया है। तो बस आपने इसकी साइड्स को क्लियर कर लेनी है, और अब हम इसको जो है वो बेक करेंगे स्टोव पे। तो स्टोव पे बेक करने के लिए आपको जो है वो इस तरह से कोई भी हीट रेजिस्टेंट जो स्टैंड होता है ये चाहिए होगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है कोई भी जो तवा होता है जो हम घर में चावलों को दम देने के लिए यूज़ करते हैं, आप वो भी जो है वो उसके नीचे रख सकते हैं। तो जस्ट आपने इस तरह से इसको रखना है, और बिल्कुल लो फ्लेम जो है वो आपने ऑन करनी है। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही आपने इसको बेक करना है, और आपने फ्राई पैन को उस तरह से रख देना है और उसको कवर कर देना है। तो 10 मिनट्स के लिए जो है वो आपने इसको बेक करना है। अगर आपका 10 मिनट्स में केक बेक नहीं होता तो आप इसको 5 मिनट और बेक कर सकते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं मज़ेदार सा केक जो है वो बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आपने टूथपिक से जो है वो इस तरह से चेक करना है। तो ये आप देख सकते हैं क्लीन आई, दैट्स मीन कि ये बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसकी साइड्स भी जो है वो इजिली रिलीज हो रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा केक जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम केक को सोक करने के लिए सिरप रेडी करेंगे। तो उसके लिए आपको 1/4 कप मिल्क चाहिए होगा, और साथ ही आपको 1 tablespoon के जितना नूटेला चाहिए होगा, और इन दोनों को जो है वो आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये आपका ज़बरदस्त सा सोकिंग सिरप जो है वो रेडी हो जाएगा, जिससे हम केक को जो है वो सोक करेंगे। तो जैसे आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं सिरप जो है हमारा रेडी हो गया है। और अब आपने केक पे जो है वो इस तरह से होल्ड कर देने, यानी कि आपने इसको प्रिक कर देना है केक को, ताकि सिरप जो है वो हमारा अंदर तक केक के जाए, और फिर आपने जो है वो उसके ऊपर जो हमने सिरप रेडी किया था वो पोर कर देना है। तो बस आपने इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से छोड़ देना है ताकि सिरप जो है वो अच्छे से सोक हो जाए केक पे। तो ये आप देख सकते हैं सिरप जो है वो बिल्कुल अच्छे से सोक हो चुका है। अब आपने इसके ऊपर मेल्टेड न्यूट्रेला ऐड कर देना है। तो मेरे पास यहाँ पे ये न्यूट्रेला है, मेल्टेड न्यूट्रेला। अगर आपके पास न्यूट्रेला नहीं है तो आप उसकी जगह कोई भी मेल्टेड चॉकलेट जो है वो उसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, या फिर डार्क चॉकलेट को भी मेल्ट करके आप जो है वो उसके ऊपर इस तरह से पोर कर सकते हैं। तो जस्ट आपने इस तरह से जो है वो चॉकलेट को ऐड कर देना है, इस तरह से लेवल कर देना है। तो ये ज़बरदस्त सा केक जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चले अब हम इसको जो है वो सर्व करते हैं। तो ज़बरदस्त सा 10 मिनट्स इजी चॉकलेट केक इन फ्राई पैन जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं आपको जो है वो कट करके बताती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ईजिली जो है ये कट हो गया है। तो अब आप अंदर से भी देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा एक केक बनके जो है वो रेडी हुआ है। तो मैं आपको जो है वो टेस्ट करके बताती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कितने मज़े का ये लग रहा है।
और टेस्ट में भी जो है वो इतने मज़े का ये केक होता है। आप देख सकते हैं इसकी सॉफ्टनेस, कितना सॉफ्ट और कितना मॉइस्ट ये केक बना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा कि ये केक बनता है। आप देख सकते हैं अंदर से कितना जालीदार और बिल्कुल परफेक्ट है। तो बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये केक बनता है और बिल्कुल लेस इन्ग्रीडियंट्स जो है वो इसमें यूज़ हुए हैं और सबके घर में जो है ऑलरेडी होते हैं। आप उसको बना के जो है वो इन्जॉय करेंगे तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने जो है उसको फ्राई पैन में बनाया है। ये इतना परफेक्ट केक बनता है, आप अंदर से भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी स्टिक नहीं किया है और बिल्कुल परफेक्ट जो है ये बेक हुआ है। और जो भी चॉकलेट केक लवर्स हैं उनके लिए तो रेसिपी बेस्ट है, क्योंकि ना ही इसमें आपको ज्यादा टाइम लग रहा है और ना ही आपको ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की इसमें जरूरत है। जबरदस्त और बहुत ही परफेक्ट ये केक बनता है, आप इसको जरूर ट्राई करें। आप इसको दावत में बनाएं या फिर अपने छोटे बच्चों के साथ जो है वो इसको बनाकर एंजॉय करें। आई होप कि इस वीडियो के बाद जो है वो आप सब इस केक को जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि इतना इजी और इतना सिंपल, इतना मजे का केक है कि आप ट्राई करने पर आप जो है वो मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इतने मजे का ही केक होता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इस रेसिपी का फीडबैक मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट या इन द किचन में शेयर कर सकते हैं। गाँव में याद रखें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।